गुरुजी, मैं पानी का लोटा चढ़ाते चढ़ाते मेरा पूरा कम से कम मेरे को 8 साल हो गया, पर मेरी जिंदगी में सुख बिल्कुल नहीं आया। हमने कहा तूने कैसे चढ़ाया, वो भी तो सुने। तो क्या कैसे, क्या स्नान करा और मंदिर जाके लोटा चढ़ाया पानी का? अब मैंने कहा तू चुप रहे। उसके पति यहीं की इसी ऑफिस की बात है, भवन मंडी से। उसके पति से पूछा, हाँ जी वर्मा जी सही बताओ, पत्नी लोटा कैसे चढ़ाई? गुरु जी ना जाने कहां के महाराज के चक्कर में पड़ी, लोटा भर के पानी चढ़ाने जाए, नहाने के बाद बच्चा इतना सा रो रहा चिल्ला रहा, पर उसको टच तक नहीं करे, किसी चीज के नहीं छुए, और बिल्कुल कोरी की कोरी साड़ी पहने धुली हुई, पहले ही बाथरूम में टांग के धर दे, उसको कोई छू नहीं सकता, टाविल टच नहीं कर सकता, और ऐसी जाके शंकर जी के फिर लोटा चढ़ाए, मंदिर में अगर किसी ने छू लिया तो वापिस आ जाए, नहाए धोए फिर जाए। मैंने कहा बस अब तो तू ऐसी जिंदगी भर चढ़ाती रहे तो भोले ना कहे गई। सत्य बोलो रे मिलेगा। कई लोगों ने पूछा शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि शिव राजी हो जाए। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है, शंकर मिल जाता। कपड़े से शिव कभी नहीं मिला साहब। आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो ये शिव प्राप्त नहीं करोगे। हो सफेद पहन लिए, लाल पहन लिए, केसर के पहन लिया, उससे शंकर नहीं मिल रहा हो। बहुत सारी रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, हाथ में भी खूब सारा रुद्राक्ष पहन लिया, यहां पर भी पहन लिया, कान में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, जटा पे भी रुद्राक्ष लगा लिया, उससे शिव नहीं मिलने वाला हो। अरे भाई किसके पास में जा रहे हो आप जल चढ़ाने के लिए, जम के बोलिए जरा। शंकर जी के पास। शंकर जी कौन है तुम्हारे कौन से मतलब नहीं है। भगवान को तो केवल इतना मतलब है कि आप मन कैसा लेकर आए हो। ये तन साफ करने से, स्नान करने से, खूब रगड़ रगड़ के नहाने से, लक्स पेयर से, खूब घिस घिस के नालों ने, क्रीम ने, पाउडर डेंटिंग पेंटिंग करके फिर भगवान के पास जाओ और बढ़िया 2-4 घंटे तक फैशन करके भगवान को रिझाओ, भगवान रिझेगा? अरे गर्ग संहिता में लिखा है कि शंकर को एक बार प्रणाम करने का फल क्या है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल होता है वो मात्र शंकर को प्रणाम करने से मिल जाता है। कितना? 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल है शंकर को मात्र प्रणाम करने से मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान के बाद भी मनुष्य का जन्म वापिस मिल सकता है। मतलब वापिस तुम्हारा जन्म हो सकता है, किसी भी रूप में हो जन्म हो सकता है। पर शिव पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि महाराज इतना जरूर है कि शिव को प्रणाम करने का फल उतना है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का फल मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि शंकर के चरणों में अगर प्रणाम कर लिया तो यह पक्का है कि अश्वमेध यज्ञ का फल भले कट जाए पर शंकर के प्रणाम का फल नहीं कटता, उसका वापस जन्म नहीं होता और वो शिव का हो जाता, वो शंकर का हो गया, फिर उसका जन्म नहीं है महाराज। पति से कहा हाथ धो, स्नान कर लो जल्दी से, फिर अपन को चलना है मंदिर। पति बोला नहा लिया एक बार तो दूसरी बार फिर से नहा लो।
नी के ना माने तो कहीं घर में चंद्र घंटा से माथा बिड़ा, स्नान करा फिर आया। चल पलंग पे काय को बैठ गए। पलंगी तो है, फिर सना के अब ये फिर नहाने भेज दिया। होता एक सास बिचारी मायके जाना था, मौसी की यहाँ शादी थी, अब उसने बहू से कहा बेटा मेरे को जाना है, अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल उनकी सेवा है, तू एक काम कर कि तू सेवा कर लेगी क्या? हाओ मम्मी, उसमें क्या है, करना क्या है तुम बताओ, बस सुबह से 3 बार ताली बजाना, भगवान को उठाना, पात्र में रख के नहलाना, उनको पोछना, कपड़े पिना देना, इत्र लगा देना, चंदन लगा देना, मुकुट लगा देना, सुंदर अलकावली सब पिनाने के बाद में भगवान को दर्पण दिखाना, जब भगवान को कांच दिखाए, दर्पण दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगा देना। हाओ मम्मी, इतना तो मैं करूंगी, और बाद में भगवान को वापिस सुला देना। हाओ, इतना सा कर लूंगी। सास बिचारी के चली गई। अब बहू सुबह से उठ के 3 बार ताली बजाई, भगवान को उठाया, बिठाया, नहाया, तैयार कर दिया, तैयार करके जो दर्पण दिखाया तो भगवान को मुस्कुराया ही नहीं। अब इसको कौन समझाए कि पीतल की मूर्ति कोई हंसे है? पर उसने तो विचार करा कि सास के गई, भगवान जब मुस्कुरा दे तो उनको भोग लगा देना। अब भगवान तो कोई मुस्कुराए नहीं, ये दर्पण दिखाया, इसको लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने भगवान का कपड़ा वपड़ा वापिस उतारा, इनको वापिस रजाई में सुला दिया। अब भगवान को वापिस रजाई में सुलाया, फिर आ गई 3 बार, फिर ताली बजाई, भगवान को फिर उठाया, फिर बिठाया, बिठाने के बाद में फिर उनको कपड़े वपड़े पहनाकर फिर दर्पण दिखाया, पर भगवान तो मुस्कुराया ही नहीं। ये वापिस इस सेवा में गलती रह गई, वापिस इसने सब कपड़ा उतारा, भगवान को फिर सुला दिया। सुबह 8 बजे से नहा रही, कपड़े पहना रही और सुला रही, 1 बज गई। कुछ गलती रह गई होगी अपने सास के। अब की बार फिर भगवान को नहवाया, भगवान भी मन में सोचे नहवाई नहवा रही, खवा तो कछु ना रही, 28 बार नहवा दिया, इसके बाप का क्या जाए, 29 बार भी नहवा देगी, सर्दी होगी तो हमको होगी, इसका क्या जाए, नहवा ही रही है और खवाती कुछ नहीं, फिर सुला देती है, फिर ताली बजा। अब क्या फिर आ गई और 29 बार फिर बैठ गई और फिर भगवान को नहाया, कपड़े पहनाया और पहनाने के बाद भगवान का श्रृंगार करके जैसे ही दर्पण उठाया, उठा के जो भगवान को दिखाने लगी, भगवान ने मन में सोचा अब की बार तो हंसी दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और भगवान दोनों दांत दिखा दिया। जैसे ही भगवान ने दांत दिखाया, इसने दर्पण रखा और जल्दी से भोग लाई, भगवान के जिम आया, भगवान के जिम आया, जिमने के बाद भगवान को फिर वापस सुला दिया। अब ये सुबह से जैसे ही आए तो भगवान पहले ही मुस्कुरा के, क्योंकि भगवान को मालूम है नहवाएगी 25 बार का मतलब उसे चंद हंसी दो, हंसने में कह जाता, तो भगवान पहले से मुस्कुरा के बैठ जाए। अब एक दिन सास आ गई, सास ने कहा बहू अब सेवा मैं कर लूंगी। हाँ मम्मी कर लो। मम्मी सेवा करने बैठी, मम्मी ने भी स्नान कराया, श्रृंगार करा, कपड़े पहनाए, मुकुट लगाया, सब लगाने के बाद जैसे ही सास कांच दिखाने के लिए दर्पण को उठाई, इतने में से मूर्ति में से आवाज आई, दर्पण तो तेरी बहू दिखाएगी, उसको बुला दे, बहुत जोरदार दिखाती, वो दिखा सकती, तू वापिस धर दे दर्पण, तेरे बस का नहीं। भगवान को भी लगा कि भैया सामने अब इसमें कोई दिखावा था क्या, नहीं, प्रेम वात्सल्य था, भगवान भक्ति के बल पर ही था। फिर बैठ गए पलंग पे, नाव वापिस, नाते नाते चले, मंदिर पहुंच गए और राम बेल पत्तर तो घर घर ही आई, जैसे ही बोली बेलपत्र घर धरी आई, पति इसको घूर के देखा, 2 बार नवाया है और बेलपत्र रखी आई घर। ये पति से कहती कि तुम लेने जाओ, उससे पति पहले ही बोल दिया देख मेरा तो आज घुटना बहुत दुख रहा, बहुत घुटना दुख रहा,
ठीक है, तुम बैठो, मैं आई अभी घर से। अब घर जाते जाते मालूम पड़े फिर कहीं का कोई छुआ गया तो नहाने बैठ गई। फिर आई, इसकी जो पूजन की थाली रखी थी, कोई भगत आया बेचारा, उसने सोचा मंदिर की थाली है, सब चढ़ा चुड़ू के चले गए। पति से बोली, तुमने अकेले ही पूजन कर ली, मैं तो करा ही नहीं। ये नंदी जहां बैठा उसके पास भी बैठा, मैंने हाथ नहीं लगाया, तो ये सामान कौन चढ़ाया, इनकी आई थी, सब चढ़ाया। तो कि शरम नहीं आई, बेलपत्तर तो था ही नहीं। तो के सियोर वाला महाराज की कथा सुनी थी, शंकर जी पे से उठा लिया, धोके चढ़ा के वो गई, वो चली। शिव ये नहीं कह रहा कि तुम वस्तुएं बटोर कर लाओ, शंकर कहता तुम्हारे पास में मिल जाए तो समर्पित कर दो, नहीं मिले धोया वापिस शिव को चढ़ा दिया, वापिस शंकर को समर्पित कर दिया, शिव स्वीकार करेंगे। एक महीने तक भी एक बेलपत्र को धोकर शंकर को रोज चढ़ाते रहो तो भी शंकर स्वीकार करेंगे, उसमें भगवान ये नहीं सोचेंगे कि निर्माल्य है, स्वीकार करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर की, घर से अगर पास में लगी हो, नजदीक में लगी हो, 8-10-15 घर छोड़कर कुछ थोड़ी दूरी पर भी बेलपत्र लगी हो तो लेकर जरूर जाना, नहीं तो कहीं कहीं की इतनी आलसन। उन्होंने कहा सीवर वाला महाराज बोला तुम तो उठा उठा के चढ़ा दो, तो भगवान के मंदिर में ही बेलपत्र नहीं जाए मालूम पड़े हो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाए वाला, जाओ पास में लगी हो तो लेकर जरूर जाओ, भगवान को समर्पित करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा भाव भगवान के द्वार पर जरूर लेकर जाओ।